दोस्त, कभी-कभी परिवार की ऐसी स्थिति हो जाती है ना कि हमें जॉब करना ही पड़ता है और पैसे कमाने ही पड़ते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने सपनों को भूल जाएं। दोस्त, मैं तुम्हें एक सच्ची बात बताता हूँ कि इंडिया में जितनी भी वैकेंसी आती हैं, सरकारी वैकेंसी जितनी भी आती है, उनमें जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं ना, उनमें से 30% लोग ऐसे होते हैं जो पहले से ही कहीं काम कर रहे होते हैं। तो दोस्त, वो ऐसा कैसे कर पाते हैं? मैं भी दोस्त पहले प्राइवेट जॉब ही करता था और प्राइवेट जॉब करते करते मैंने गवर्नमेंट जॉब क्लियर किया है। तो दोस्त, मैंने ऐसा कैसे किया? मेरा क्या स्ट्रेटजी था? मेरा क्या बिलीव था? तो दोस्त, इस वीडियो को पूरा देखना और हो सकता है कि तुम्हें कुछ ऐसा मोटिवेशन मिल जाए, कुछ ऐसा पता चल जाए कि जो तुम्हारा लाइफ बदल दे। तो इस वीडियो को जरूर तुम पूरा देखना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज। जब मैं दोस्त प्राइवेट जॉब कर रहा था ना, तो दो चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा कमी होती थी। पहला है टाइम और दूसरा है एनर्जी। टाइम की कमी इसलिए होती थी ना दोस्त, कि मुझे 8 घंटे का ड्यूटी करना पड़ता था और मुझे अपने काम पे आने जाने के लिए 2 घंटे लगते थे। तो टोटल 10 घंटा मेरा ड्यूटी और वहाँ आने जाने में ही खर्च हो जाता था। और क्योंकि मैं 7 घंटे सोता था और 2 घंटे मेरे डेली रूटीन के काम में लग जाते थे, तो इस तरह से देखा जाए तो 8 + 2 + 7 + 2 टोटल 19 घंटे होते हैं। तो इसी प्रकार मेरे पास जो समय बचता था वो पूरे 24 घंटे में से 5 घंटा बचता था। दोस्त, 5 घंटा तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता था, क्योंकि इंसान हूँ, कभी ना कभी मूवी देख लेता था, कभी दोस्तों के साथ बात कर लेता था, तो ये 5 घंटे में से भी कुछ समय कट जाते थे। एक मोटा मोटी मान के चलो कि मेरे पास सिर्फ 24 घंटे में से पढ़ने के लिए 3 ही घंटा बचता था, पर डेली में 3 घंटा जरूर पढ़ता था। दोस्त, किसी काम को करने के लिए अगर आपको कम समय मिलता है ना, तो उस काम को आप अच्छे प्लानिंग के साथ करते हैं। तो मैं भी ये 3 घंटे का यूटिलाइज बहुत प्लानिंग के साथ करता था। मुझे जो 3 घंटे टाइम मिलता था, उसमें मैं जो टॉपिक बुक से पढ़ता था, ठीक है, उसका एक नोट्स बना लेता था और ऐसा बनाता था कि उस नोट को मैं जब भी पढ़ता था तो मुझे पूरे बुक का याद आ जाता था। मैंने बुक में क्या क्या पढ़ा है सारा चीज़ याद आ जाता था। तो नोट्स मेरा बहुत ही हेल्पफुल रहा है और आप भी नोट्स ज़रूर बनाइएगा। भाई, यहाँ मेरा पहला टिप्स रहेगा कि काम करने के बाद तुमको जितना भी समय पढ़ने को मिले, चाहे वो 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, या फिर 3 घंटा हो, 4 घंटा हो, तुम जरूर पढ़ो, ठीक है, और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। तुम्हें डेली पढ़ना है, ठीक है, ऐसा ना हो कि तुमने 2 दिन पढ़ा और 3 दिन फिर तुम नहीं पढ़े, फिर 4th दिन पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। तुम्हें चाहे 1 ही घंटा क्यों ना मिले, तुम्हें डेली पढ़ना है। भाई, मुझे जो 3 घंटे मिलते थे ना, वो मेरी तैयारी के लिए सफिशियंट नहीं थे, तो अब मुझे दूसरे कामों के समय को चुराना था। इसके लिए सबसे अच्छा था मेरा ड्यूटी का समय, क्योंकि मेरी ड्यूटी जो थी वो 8 घंटे की थी, और क्योंकि 8 घंटे मुझे कंटिन्यूसली काम नहीं करना पड़ता था, बीच बीच में ब्रेक्स मिलते थे, कभी कभी तो बॉस के नहीं आने पे काम भी बहुत कम होता था। मुझे अपने 8 घंटे की ड्यूटी के बीच में दोस्त जो भी टाइम मिलता था, उस टाइम में मैं अपना पढ़ाई करता था, अपना पढ़ा हुआ को रिकॉल करता था, दोस्तों के साथ इधर उधर घूम के व्यर्थ की बातें करके समय वेस्ट नहीं करता था। जो भी टाइम मुझे मिलता था, मैं उसे अपना ग्रोथ के लिए यूटिलाइज करता था। दोस्त, तुम मुझसे पूछ सकते हो कि मैं अपने ड्यूटी में कैसे पढ़ता था, है ना? तो मैं तुम्हें बता दूं कि उस समय मेरे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन था और मुझे अपने ड्यूटी में क्या पढ़ना है, मैं एक रात पहले ही पर डिसाइड कर लेता था और बुक का जो भी टॉपिक मुझे पढ़ना होता था ना, उसका फ़ोटो खींच लेता था, ठीक है, और फिर मेरा ड्यूटी स्टार्ट होता था और जो ही मुझे टाइम मिलता था, मैं साइड में चले जाता था, अपना मोबाइल खोल के और उस टॉपिक को पढ़ता था, ठीक है, और उस टॉपिक से जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगता था ना, तो मेरे पास एक हमेशा वाइट पन्ना मेरे पॉकेट में होता था, फोल्ड करके मैं रखता था और उसमें पेन से वो उस टॉपिक को लिखता था। और मेरे जॉब से छुट्टी होने के बाद जब मैं घर पहुँचता था ना, तो सबसे पहले उस वाइट पन्ने में जो लिखा होता था, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट में लिखता था, उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को अपने नोटबुक में लिखता था और आज मैंने जो टॉपिक पढ़ा उससे क्या सीखा वो भी सारांश में लिखता था, और लिखने के बाद ही मैं कोई दूसरा काम करता था। इस तरह से मैंने अपने जॉब के ही समय में कितने MCQ बना दिए होंगे
और कई सारे टॉपिक मैंने पढ़ लिए होंगे, तो ऐसा दोस्त तुम भी कर सकते हो। भाई अगर तुम काम के समय में स्टडी करोगे, अपना पढ़ाई करोगे, तो तुम्हारा जो जॉब का जो परफॉर्मेंस है ना वो ख़राब होगा, और जॉब का परफॉर्मेंस ख़राब होगा तो तुम्हारा जो बॉस है तुम्हें गालियाँ देगा, और उसके गाली देने से तुम्हें टेंशन होगा, और इस टेंशन से तुम्हें कैसे निपटना है मैं इस वीडियो में तुम्हें आगे बताऊँगा। तो भाई यहाँ मेरा दूसरा टिप तुम्हारे लिए है, स्टील योर टाइम फ्रॉम योर अदर वर्क। तुम्हें अपना पढ़ाई का समय अपने दूसरे कामों से चुराना है। और दोस्त हमेशा याद रखना कि तुम्हें अभी के समय में टेक्नोलॉजी के साथ चलना है, तो तुम्हें अपना प्रिपरेशन भी टेक्नोलॉजी को साथ लेके ही करना है, तभी तुम कर पाओगे। भाई जब मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था ना, उस समय जो भी जेई की वैकेंसी आती थी उसे मैं ज़रूर भरता था, और अपने काम पे उल्टा सीधा बहाना मार के ज़रूर पहुंच जाता था एग्ज़ाम देने, और बार बार मुझे जेई के कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम देने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इससे मुझे पता चल गया था कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा टॉपिक या चैप्टर मेरा वीक है, ये सारी बातें मुझे पता चल गई थी। और हर एक एग्ज़ाम के बाद मैं अपने आप को बेहतर करता गया, अपने कमियों को दूर करके। दोस्त और ये छुट्टी लेने का जो स्टोरी है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बार बार छुट्टी लेने के लिए ना दोस्त अलग अलग बहाने सोचने पड़ते थे। जैसे कि मुझे याद है एक बार मैंने अपना दादी का देहांत बताया था, एक बार मैंने अपने सिस्टर का शादी बताया था, एक बार नानी बीमार हो गई ये बताया था। इस तरह का बहाना बना के मैं हमेशा छुट्टी लेता था। और दोस्त यहाँ मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगा कि अगर तुम अपने भलाई के लिए और अपने घर वाले की भलाई के लिए कोई झूठ भी बोलते हो ना, तो वो झूठ झूठ नहीं होता है। इसके लिए तुम्हें कोई भी गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मेरा तीसरा टिप्स है कि जेई के लिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सबका फॉर्म भरो और एग्ज़ाम जरूर दो, चाहे तुम्हें कुछ भी झूठ बोलकर छुट्टी लेना पड़े। और भाई एग्ज़ाम देना ना मस्ट है, इसी से पता चलेगा कि तुम्हारा क्या वीक पॉइंट है। भाई इतने सारे काम करने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगा, इसके लिए हमें अपने दिमाग को बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा। जैसे थ्री इडियट में आमिर खान अपने दिमाग को बेवकूफ़ बनाता था ऑल इज़ वेल बोल के। दोस्त हमारे जो बॉडी की एनर्जी होती है ना वो डायरेक्टली कनेक्ट होती है हमारे दिमाग से। हम जैसा सोचते हैं हमारा बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करता है। अगर तुम सोचोगे कि तुम थक गए हो तो तुम्हारा बॉडी भी थका थका फील करेगा। दोस्त मैं क्या करता था ना, मैंने अपने दिमाग में बैठा लिया था कि जो मेरा ड्यूटी का जो टाइम है वो मेरा मज़े करने का टाइम है, मेरा इन्जॉय करने का टाइम है, मेरा रिलैक्स करने का टाइम है। तो भाई मेरा चौथा टिप्स ये रहेगा कि तुम अपना सोचने का तरीका को बदलो। तुम ये सोचो कि जॉब जो है तुम्हारा मस्ती करने का जगह है, तुम्हारा रिलैक्स होने का जगह है। और दोस्त कई बार क्या होता है ना कि बार बार एग्ज़ाम के फेलियर से और बॉस की गालियों से और लोगों के नेगेटिव कमेंट से हमारा जो मोराल है वो लो हो जाता है और हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा जो लक्ष्य की ओर हमारा बढ़ने का जो रफ्तार है ना वो धीरे हो जाता है या फिर रुक ही जाता है। इस सिचुएशन से बचने के लिए ना दोस्त मैं पता है क्या सोचता था, मैं सोचता था कि ये जो मेरा जो प्राइवेट जॉब का जो ये टाइम चल रहा है वो एक सीढ़ी है, ठीक है, इस सीढ़ी पे चढ़ के ही मुझे दूसरी सीढ़ी पे जब मैं जाऊँगा तब मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। तो दोस्त मैंने तुम्हें अभी बताया कि तुम प्राइवेट जॉब करते हुए सरकारी जेई कैसे बन सकते हो, और इसके लिए मैंने तुम्हें चार टिप्स भी दिया है। दोस्त अगर तुम ऐसा करते हो ना तो मैं तुमसे वादा करता हूँ और गारंटी देता हूँ, ठीक है, तुम एक दिन सरकारी जेई जरूर बन जाओगे। हो सकता है थोड़ा समय ज़्यादा लग जाए पर तुम एक दिन ज़रूर बनोगे। भाई अगर ये वीडियो से तुम्हें थोड़ा भी फ़ायदा हुआ हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करना, और भाई थोड़ा सा हेल्प कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को दोस्त ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में ना दोस्त मैं हमेशा ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल वीडियो लाता रहता हूँ। और मुझे तुम कमेंट पे ही बता सकते हो कि तुम्हें कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और एक टेलीग्राम का ग्रुप भी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस ग्रुप में तुम जुड़ कर तुम्हें जो समस्या है वो पूछ सकते हो। आशा करता हूँ दोस्त कि तुम्हें यह वीडियो पसंद आया होगा और तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद हुआ होगा। इसी के साथ जय हिंद और स्टे ब्लेस्ड।